What's up everybody, welcome back to another new video. और आज के इस वीडियो में हम लोग बाकुनो हीरो एकेडमिया AKA माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रीवियस एपिसोड के सीन्स है, तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करके बोर नहीं करना चाहता। अगर आप जानना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोज देख लेना। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। भाई सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ प्रीवियस एपिसोड के फाइट सीन है, तो मैंने उसको जानबूझ के इग्नोर कर दिया। आप लोग कमेंट में ये मत बताना कि भाई आपने कुछ स्किप कर दिया, मैंने उसको जानबूझ के स्किप किया। तो अभी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है उन लोगों के फाइट के वजह से। सेकेंड मैच में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है ट्रेनिंग ग्राउंड के, तो वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं आइजावा ब्लैड किंग वो लोग डिसाइड करते हैं। बाकी के जितने सारे मैच है मतलब आगे के जो मैच होंगे वो सारे के सारे मैच दूसरे जगह पे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और चारों तरफ मशरूम उगा हुआ है, तो यहाँ पर फाइट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि क्लास बी का एक स्टूडेंट जिसका नाम है नेइतो मोनोमा, वो आके मिडोरिया उराराका आशिरो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गैन पेल रहा होता है। देखा हम लोगों ने सेकेंड मैच तुम लोगों को हरा दिया, अब आगे के सारे मैच तुम लोग हारने वाले हो, मतलब बहुत ज़्यादा बकबक करता है। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर केंदो आ जाती है और आने के बाद उसे मार के बाहर से ले जाती है। तो उसके थोड़ी देर बाद दिखाता है कि ऑलमाइट उन लोगों के पास आता है। ऑलमाइट आने के बाद कहता है कि मिडोरिया क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और उसके बाद दिखाता है कि ऑलमाइट मिडोरिया को लेके बाहर से चला जाता है। और उसके बाद जो मिनोरू होता है वो कहता है कि मैंने ऑलमाइट को हमेशा मिडोरिया के साथ देखा है, रिसेंटली वो दोनों बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि जो उरारका होती है वो कहती है कि मैंने सुना है ऑलमाइट उसे प्रैक्टिस में हेल्प कर रहा है स्कूल फेस्टिवल होने के बाद से। तो दिखाता है जहाँ पर जो आशिरो होता है वो कहती है कि ओ इसका मतलब तुम उसके ऊपर नज़र रखते हो। तो दिखाता है कि जो उरारका होती है उसे शर्म आ जाती है और शर्म के मारे वो उसका कॉर्ड यूज करते हैं जिससे कि आशिरो ऊपर उठ जाता है आसमान में। दैट्स काइंड ऑफ क्यूट। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है ऑलमाइट और मिडोरिया बात कर रहा है। तो उसके बाद ऑलमाइट मिडोरिया से पूछता है कि क्या तुमने तुम्हारे कॉर्क में रिसेंटली कुछ चेंजेस महसूस किया। तो मिडोरिया कहता है कि नहीं अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी सेंस नहीं हुआ। तो ऑलमाइट कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम्हारा फाइट शिनो के साथ हुआ था उसके बाद ही हम लोगों का जो वेंटेज जो पूर्वज है वन फॉर ऑल के वो एक्टिव हो गया था, तो उसका फाइट तुम्हारे साथ है फिफ्थ मैच में, तो ध्यान से रहना। तो मिडोरिया कहता है हाँ मैं बिल्कुल ही कॉन्शियस रहूंगा और बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर पीछे से बाकुगो आ जाता है। दिखाता है कि बाकुगो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो उसे पूछता है कि तुम जो इस पे मास्टरी करने की कोशिश कर रहे हो और कितना टाइम लगेगा। तो मिडोरिया कहता है कि मुझे भी ठीक से नहीं पता लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद बाकुगो कहता है कि देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब फाइट किया था तब से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ हाँ, और तुम्हें भी जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और इस वन फॉर ऑल पे मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि थर्ड मैच का प्रिपरेशन लिया जाता है। स्क्रीन में दिखाता है कि थर्ड मैच किसके साथ किसका होने वाला है, टीम ए के साथ टीम बी के किस किस मेंबर का होने वाला है। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग एक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि पहला दो मैच जहां पर हुआ था वो जगह बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। तो दिखाता है कि सब लोग अपने अपने पोजीशन पे जा रहे हैं। जब सब लोग अपने अपने पोजीशन पे जा रहे थे तब तोदोरोकी को रोक के तोकोयामी कहता है कि देखो मैंने एक बहुत ही खराब काम किया है, मैंने ज्यादा अच्छा फाइट नहीं कर पाया लेकिन तुम्हें अच्छे से फाइट करना है क्योंकि हॉक्स एंडेवर जैसे हीरो के पास हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, हमारा काम बनता है उनको ऑनर देना, मतलब हम लोगों को ये मैच जीतना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ है तुम्हें ये मैच जीतना पड़ेगा। तो उसके बाद तोदोरोकी वहां से चला जाता है। दिखाता है कि वो जाते जाते अपने डैड के बारे में सोच रहा है, उसके डैड के लास्ट फाइट के बारे में सोच रहा है, उसके बचपन के बारे में सोच रहा है कि उसके डैड ने कितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया था क्योंकि उसके एम्बिशन उसके बेटे को फुलफिल करना था और ये सभी सोच रहा होता है। और उसके बाद दीदा उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ परेशानी है, तो वो कहता है कि नहीं लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। तो बाकी के बंदे कहते हैं कि ईदा तुम तो आज बहुत ज़्यादा चेयरफुल लग रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ क्योंकि मेरे जो भाई है वो थोड़ा सा रिकवर हो गया है तो मैं शांति में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टीम बी के एक बंदे को दिखाता है जिसका नाम है तत्सु, मतलब क्या ही नाम है, गजब नाम है, ठीक है आई लाइक दिस नेम।
तो दिखाता है कि उसका कॉर्क है स्टील, उसने अपने फुल बॉडी को स्टील का बना लिया और दिखाता है कि चारों तरफ तोड़फोड़ मचा रहा है। तो उन लोगों के चारों तरफ जितने सारे पाइपलाइंस थे, जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, सब कुछ तोड़ डालता है। और दिखाता है कि व्लैड की जो उन लोगों का क्लास टीचर है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए। तो दिखाता है कि उसके टीममेट भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, चारों तरफ तोड़फोड़ मचा रहा है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टीम बी का एक और बंदे को दिखाता है जिसका नाम होता है जूजो। वो कहता है कि ये तो कुछ बुरा नहीं कर रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा, बल्कि ये हम लोगों का मदद कर रहा है क्योंकि इसने एक ओपन पाथ, एक ओपन फील्ड बना दिया है हम लोगों के फाइट के लिए, तो ये तो हमारा ही फायदा है ना। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में टीम ए के बंदे को दिखाता है, वो लोग कहते हैं कि तत्सु लगता है ये सब कुछ कर रहा है, वो सीधा सीधा हम लोगों से फाइट लेना चाहता है। तो वो लोग भी चले जाते हैं उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में ओपन वर्ल्ड में रास्ते का एक सीन दिखाता है कि वहां पर एक मुजरिम भागने की कोशिश कर रहा है, तो एंडेवर वहां पर आता है, आके उसे पकड़ लेता है। और उस मुजरिम को पकड़ने की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो अपने फोन को देखता है कि उसके फोन में उसने बहुत सारे एसएमएस किया है सोतो को, लेकिन सोतो तुतोरो की उसके डैड को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एंडेवर जो होता है वो उसके मतलब सोतो के बचपन के बारे में सोचता है कि उसने उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर दिया था नंबर वन हीरो बनने के लिए, ये सब कुछ सोचता है और कहता है कि क्यों तुम मेरे मैसेज का क्यों रिप्लाई नहीं देते। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि टीम ए के बंदे उन लोगों के ऊपर सीधा हमला करने के लिए आते हैं। दिखाता है कि बाकी के जो बंदे होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग तोदोरोकी तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद दिखाता है कि तोदोरोकी एक बहुत बड़ा ब्लो मारता है आइस का, दिखाता है कि चारों तरफ आइस से भर गया है। टीम बी के जितने सारे बंदे थे, सारे के सारे बंदे उस आइस में पकड़ा गया है। दिखाता है कि जो स्टील वाला बंदा है, जो तत्सुई, वो भी उसके स्टील भी बर्फ़ में जम गए हैं। और दिखाता है कि कोई भी हिल नहीं पा रहा होता। उसके बाद ईदा को दिखाता है कि वो एक प्लान करता है और कहता है कि सब लोग अभी बर्फ़ में जमा हो गए, सब लोगों का मूवमेंट स्लो हो गया है, अब मैं फुल स्पीड में जाऊँगा और सब लोगों को एक ही साथ पकड़ के जेल के अंदर दे दूँगा तो हम लोग जीत जाएंगे। तो दिखाता है कि वो जाता है, लेकिन जब भी वो बर्फ़ में अपना पैर रखता है, देखता है कि उसका पैर बर्फ़ के अंदर चला जाता है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। टीम बी का एक बंदा है जिसका नाम है जूजो, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो जिस चीज को छूता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसके ऊपर पैर भी रखा नहीं जा सकता। तो दिखाता है कि टीम बी के बाकी के बंदे बाहर से निकल जाता है और टीम ए का जो ईदा होता है वो उसमें फंस जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि टीम ए के एक और बंदे को वो लोग पकड़ लेते हैं ऐसे ही। और उसके बाद दिखाता है कि टीम बी का एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है सेन काइवारा, वो कहता है कि मैं आगे देखता हूँ। और दिखाता है कि उसका कॉर्क जो है वो अपने फुल बॉडी को, मतलब बॉडी के किसी के पार्ट को वो घुमा सकता है, बहुत तेजी से घुमा सकता है, लाइक हैंड, लेग्स, इन सभी को बहुत तेज़ी से वो घुमा सकता है। तो दिखाता है कि वो घुमाते उसके ऊपर बार करता है और उसे डाउन कर देता है। और उसके बाद दिखाता है बाहर बैठे हुए स्टूडेंट को, मिडोरिया को दिखाता है, वो कहता है कि अब तो ये लोग हिल भी नहीं पाएंगे, इन लोगों को बहुत मुश्किल होगा हिलने में भी, अब देखते हैं क्या होता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में तोदोरोकी को दिखाता है, वो कहता है कि मैं तो अपने फायर पावर को यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने आइस पावर को भी अपने फुल स्ट्रेंथ पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और उतने में ही दिखाता है कि पीछे से दो सींग उड़ते हुए आते हैं और शोजी को पकड़ लेता है, दिखाता है कि उसे पीछे की तरफ ले जाता है। और दिखाता है कि पोनी नाम का एक लड़की है जो कि टीम बी की है, उसके पास जो कॉर्क है उसका नाम है हॉर्न कैनन, जिससे कि वो अपने हॉर्न को थ्रो कर सकता है बहुत दूर तक और कंट्रोल भी कर सकता है। तो दिखाता है कि वो शोजी को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ दिखाता है जो तत्सुई है उसे भी एक बूस्ट देती है, दिखाता है कि वो सीधा जाके तोदोरोकी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा आइस कितना ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मैं तुम्हें डाउन कर दूंगा, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो, नहीं हरा सकते। तो दिखाता है कि बहुत दूर ले जाके तोदोरोकी पटक देता है। तो उसके बाद आइस ग्राउंड का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जोजू और जो ईडा है वो वहां पर है, ईडा फंसा हुआ है बर्फ के अंदर और दिखाता है कि जो बर्फ है वो फिर से जम जाता है। तो वो कहता है कि देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इसका एक टाइम लिमिट है, उसके बाद सारे के सारे सॉफ्ट चीज फिर से हार्ड हो जाते हैं। और उसके बाद ईडा कहता है कि वो हार्ड हो जाता है लेकिन इस दुनिया में कोई भी हार्ड चीज नहीं है जो कि मैं नहीं तोड़ सकता। तो दिखाता है कि वो बर्फ तोड़ के बाहर निकल जाता है और कहता है कि मेरे पैर में इतना ज्यादा पावर है कि मैं सब कुछ तोड़ सकता हूँ। और न्यू स्टाइल दिखाता है, वो एक न्यू स्टाइल फॉर्मेट करता है। उसके भाई ने उसे कहा था उसके जो इंजन्स है उसको अगर वो निकाल देगा तो लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो कम फ्यूल में वो बहुत देर तक चल पाएगा। और दिखाता है कि वो पूरी तेज़ी से आ रहा है और कहता है कि मुझे 10 मिनट तक अभी कोई भी नहीं रोक सकता। और दिखाता है कि वो सीधा जूजो के ऊपर हमला करता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपने ये एपिसोड इतनी दूर तक देखा है तो एक लाइक तो करना बनता है ना, और एक कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए Bye-bye.